जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज ख्वातीन के आलमी दिन के ऊपर मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपने उन सब ख्वातीन को जिनमें माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां शामिल हैं, जो अपने घर के मर्द हजरात के साथ शाना बशाना खड़ी रही हैं और अभी तक जद्दोजहद कर रही हैं, उनमें से बहुत सी ख्वातीन अभी तक जेलों में हैं, बहुत सी ख्वातीन और बच्चियां ऐसी हैं जो घरों पर अपने फादर फिगर्स या उनके हस्बैंड या उनके भाई उनका इंतजार कर रही हैं और वो अभी तक जेलों में कैद हैं। आपने उनको भूला नहीं है, और भूलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भूलना नहीं है, आपने हर दम हर वक्त उनके लिए आवाज़ बुलंद करके रखनी है और इस सिस्टम को याद कराते रहना है कि भाई एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं हो सकते। और दूसरी गुजारिश मेरी आप सबसे ये है कि कुशा बीबी के लिए आवाज़ जरूर उठाएं। आपको याद है कुछ हफ्ते बल्कि चंद दिन पहले ये न्यूज़ निकल के आई कि शायद उनको खाने में कुछ ऐसी चीज़ डाल के दी गई है जिससे उनका गला जल गया, मैदा जल गया, उनको खाने में दिक्कत थी। प्लीज़ उनके फुल फ्लेज मेडिकल चेकअप के लिए आवाज़ उठाएं। और यहां तक कि उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि उन्हें बनीगाला से अटाला जेल में शिफ्ट किया जाए, एंड शी शुड बी ट्रीटेड लाइक एवरीवन एल्स। आई डोंट नो ये सिस्टम क्या प्रूव करना चाहता है, लेकिन आपने इन सबको नाम लिए बगैर इन खवातीन को नहीं भूलना, बुशरा बीबी की जद्दोजहद को नहीं भूलना और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप के लिए आवाज़ उठानी। आज के दिन को इस्तेमाल करें और इन खवातीन के साथ आप भी शाना बशाना खड़े हों। बहुत शुक्रिया।